ग्लोबल सेंटर पे अब तक दिल्ली की तकरीबन सारी ही मशहूर नहरियाँ मैं दिखा चुका हूँ। कुछ नाम रह गए थे, उनमें से एक नाम पर मैं आज मौजूद हूँ। टाइटल और थंबनेल देखकर आप समझ ही गए होंगे मैं कहाँ हूँ। इस नहरी के बारे में मुझे इतने कमेंट्स आए कि जावेद नहरी दिखाइए, जावेद नहरी दिखाइए। मैं आज जावेद नहरी पर आ चुका हूँ। मेरा इरादा था कि मैं इनका एक डिटेल्ड वीडियो करूँगा। नहरी शाम को शुरू होगी, अभी तकरीबन 1:15 है। हालांकि अभी 6 घंटे बाद नहरी हमें खाने को मिलेगी, लेकिन अब से लेकर शाम तक की नहरी की सारी अदाएँ, सारी तैयारियाँ आपको रिकॉर्ड कर दिखाने के लिए मैं यहाँ पर सवेरे से आ गया। इस वक्त नहरी बननी शुरू हो चुकी है, तो आइए चलिए इस सारे सफ़र में आप हमारे साथ रहिएगा। तो चलते हैं जावेद नहरी पे। खाना आसान है नहरी, बनाना आसान नहीं है। ना नहरी का बनाना आसान है, ना नहरी का डिस्पेंस करना आसान है, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ। इस देग के अंदर सिर्फ चम्मच चलाने में ही आपको बहुत ज़्यादा ताकत लगानी पड़ती है, जैसे आप नाव का चप्पू चला रहे हो। मेहताब भाई, इस वक्त आपको ये सब काम करते हुए नज़र आ रहे होंगे, गोश्त बहुत ज़्यादा पड़ा हुआ है, मसाले पड़ चुके हैं, कुछ अभी और पड़ेंगे, नहरी खाने को शाम को मिलेगी। तो सुबह से आने का मकसद सिर्फ यही था कि इस नहरी की एक प्लेट जो आपके आगे आगे रखी जाती है, उसके पीछे कितनी मेहनत लगती है, वो भी आप तक पहुंचाना था। जावेद नहरी की ख्वाहिश बहुत दिन से मेरे पास आई हुई थी, बहुत सारे कमेंट्स थे। फिलहाल यहाँ से अभी हम इसको देखते रहेंगे, पूरा प्रोसेस देखेंगे, शाम तक यही है। मेहताब भाई, पहले तो ये बताइए इस चम्मच का वजन कितना है? 15-20 किलो का है। 15-20 किलो का तो ये चम्मच, और उसके बाद इस नहरी में नहरी के लिक्विड गाढ़ा गाढ़ा, उसके ऊपर से बड़े बड़े पीसेस गोश्त के, तो मेहनत तो बहुत है। मैंने सोचा एक बार खुद से कर देखूँ आखिर कितनी है, देखने में कितनी लग रही है और दरअसल कितनी मेहनत है इसमें। और कुछ मसाले इसमें जाएंगे, उसके बाद इसमें इसका घी ऊपर आना शुरू हो जाएगा, उसके बाद इसको दम पे लगा दिया जाएगा, 3-4 घंटे के दम होगी, उसके बाद फिर हम इसको खाएंगे। मेहताब भाई से बात भी करेंगे, आपसे भी बात करेंगे, टेस्ट भी बताएंगे। देखिए, इसकी शोहरत मुल्क से बाहर भी है, ये मुझे पता चल चुका। मेरे पास लंदन से भी इनके लिए कमेंट्स आए, अमेरिका से भी आते हैं कि जावेद नहरी दिखाइए। आज उसी नहरी पर हम हैं, बनते हुए भी देख रहे हैं, खा के भी बताएंगे, साथ रहिएगा। नहरी करने आया हुआ हूँ, लेकिन मैंने देखा कि बिरयानी में भी अच्छी खासी रौनक है, और धीरे धीरे खामोशी से इनकी ये चिकन बिरयानी भी अपना मुकाम बनाना शुरू कर रही है। हो सकता है आगे चल के आपको ये भी काफ़ी मशहूर नज़र आ जाए। तो चिकन बिरयानी खुशबू ठीक ठाक आ रही है, लेकिन अभी मैं इसको खाऊंगा नहीं। हमारा टारगेट नहरी ही है, शाम में नहरी खाएंगे, उसी के आप तक टेस्ट पहुँचाएंगे। लेकिन हाँ, ये बात नज़र आ रही है कि पूत के पाँव पालने में दिख जाते हैं, इनकी बिरयानी भी धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू हो रही है, चखने लायक जरूर होगी। देव कामत देख के लिए भारी भरकम चम्मच और भारी चम्मच से काम लेने के लिए जानदार बाजू दरकार है। यूं बनती है नहरी। लंच का टाइम है, नहरी शाम को ही मिलेगी, लेकिन लंच में भी इनके यहाँ कई आइटम्स होती हैं। बिरयानी मैंने अभी देखी, इनकी बिरयानी मुझे लगता है धीरे धीरे ऊपर आने वाली है, नहरी से इनका नाम चला है। और सालन में यहाँ कई पकते हैं, जैसे कोरमा, कीमा, ब्रेन करी वगैरह, काफ़ी कुछ है। तो लंच के लिए भी अगर आप आते हैं तो काफ़ी कुछ वैरायटी है। मेहताब भाई इधर खड़े हैं, जावेद साहब ये मौजूद हैं, यही वो दरअसल नाम है जिसके ऊपर ये जावेद नहरी है। 27 साल हो गए आपने शुरू किया था जी, हमारे डैडी ने शुरू करा था हमारे। तो मसाले वगैरह सब उन्हीं के टाइम के चल रहे हैं, उन्हीं के टाइम के चल रहे हैं। साबुत लेते हैं जितना जितना क्वांटिटी में,
उसको फुट कूटवाने के बाद पिसवाने के बाद जब डालते हैं। उसका कोई ब्रांड नहीं है, उसका कोई ब्रांड, ये उसका ब्रांड जावेद नहारी ही है और वो जायका यही मिलेगा। शाम को चखेंगे, जावेद साहब भी यहीं हैं, मेहताब भाई भी यहीं हैं, हम भी यहीं हैं, आप भी यहीं रहिएगा और साथ में नहारी का जायका लेते हैं। अच्छा जी, सारे काम हो चुके देख लो, अब आखिरी काम जो सबसे लंबा होता है वो रह गया है और वो ये है कि इस देख को एयर टाइट करेंगे। सबके अपने अपने तरीके होते हैं। मेहताब भाई इसको इस गीले कपड़े को रोल करके एयर टाइट कर रहे हैं, भाप से इसको गलाएंगे और इसी को दम लगना कहते हैं। 3-4 घंटे तक, यानी अभी 2 बज रहे हैं, तकरीबन 6-6:30 बजे ये खुलेगी और उसके बाद जो इसका शबाब होगा हमें देखने को मिलेगा। ये सारा एयर टाइट करने के बाद ऊपर ये इसके वजन रखेंगे, उसके लिए ये ब्रिक्स रख रहे हैं। ये आप समझ लीजिए एक बड़े साइज के कुकर में तब्दील हो गई है, यानी इसको एयर टाइट करा जा रहा है, प्रेशर लगाया जा रहा है, दम पर लगाया जा रहा है। अब ये शाम तक दम होगी और फिर हम साथ में बैठ के खाएंगे। नीचे धीमी आंच, ऊपर एल्युमिनियम फॉइल में मलबूस ईंटें, पूरे होटल में शांति और शाम तक का इंतजार। अच्छा जी, वैसे तो मैं आज लंच अवॉइड करना चाह रहा था क्योंकि मुझे शाम में नहारी खानी है भरपूर तरीके से। मेहताब भाई का तकल्लुक ये मान नहीं रहे। फिलहाल हमारा लंच आ चुका है, इनके ही लंच का काफी कुछ सामान होता है यहाँ पर, कोरमा है, बिरयानी है, तो मैं जल्दी जल्दी से थोड़ा बहुत चख लेता हूँ। लीजिए मेहताब भाई। बहुत ही ज़्यादा शटल टेस्ट की है, हल्का सा स्पाइस है, हल्की सी नमकीन है। मुझे यही अंदाज़ा था कि ये बिरयानी जल्दी अपने आप को मनवा लेगी, उस तरफ जा रही है। अच्छा, इनके यहाँ की ब्रेन करी मैं पहले भी खा चुका हूँ और मुझे इनकी ब्रेन करी बहुत पसंद है, तो अब अगर आगे आ गई है तो हाथ नहीं रुक सकता। लंच का टाइम आए, ऑब्वियसली उस टाइम नहारी तो होगी नहीं, लेकिन जो भी कुछ मिलेगा आपको वो भी अपने आप से आपको जोड़ लेगा। ये कोरमा है, कोरमे के अंदर भी शक्ल बता रही है कि कोरमा है, कोरमे की शक्ल ऐसी होनी चाहिए, दरदरा मसाला होना चाहिए, स्मूथ नहीं होना चाहिए, वो सारी खासियतें इसमें देखने से मुझे नज़र आ रही हैं। ज़बरदस्त है, ज़्यादा नहीं खाऊँगा, नहारी खानी है। पाँच बज गए हैं दोपहर को, इस देख को हम दम पे लगा कर गए थे कई घंटे के बाद, अब हम वापस आए यहाँ पर। अब एक नई गहमा गहमी शुरू हो गई है, शाम की इस देख की खुलने की तैयारी, दुकानदारी की सेटिंग, वो सारी चीज़ें, अब सफाइयाँ शुरू हो गई हैं, देख का ढक्कन खुलने वाला है, नहारी दम होकर तैयार हो चुकी है, सारी चीज़ें अब धीरे धीरे सेटिंग पर आ रही हैं। तो आइए देखते हैं क्या क्या चल रहा है। को जवान और देख को थोड़ा मैच्योर होने देने का इंतज़ार ज़रूरी था ताकि दोनों चीज़ें अपनी अपनी सही जगह पर आ जाएं। ये क्वालिटी कंट्रोल एक रोज़ का रूटीन है, नारी का टेक्सचर, उसकी हर चीज़ चेक करना एक बार शुरू होने से पहले इनकी नॉर्मल प्रैक्टिस रहती है। गहरी नज़र से नारी का टेक्सचर चेक कर रहे हैं, मेयार पे ये आ चुकी है या नहीं। जब थोड़ी सी निकल जाएगी ना इसमें से, उसके बाद इसको टेस्ट करेंगे, यानी 10-20% ऊपर से उतर जाए, नहारी हो या बिरयानी हो, दोनों चीज़ें देख के मिड पॉइंट की सबसे ज़्यादा जायकेदार होती हैं। तो ये तैयारियां हैं, ये माहौल कशी है जो हर रोज़ यहाँ होती है, जिस वक्त ये देख खुलती है रोज़ की प्रैक्टिसेस हैं। ये नहारी के साथ अदरक और हरी मिर्चें ज़रूर खाई जाती हैं, वो पीछे कट रही हैं। और इधर ये लगभग 2 भगोनों में इन्होंने रोगन निकाल लिया है इसका, एक इस भगोने में रोगन रखा हुआ है, इधर बोंगे रखी हुई हैं, उधर नली रखी हुई है। ये सारा मामला नहारी की देख खुलने के बाद पहले सेट किया जाता है, उसके बाद नहारी डिस्पेंस होनी शुरू होती है। जैसे मैंने पहले भी कहा था कि नहारी को पकाना एक आर्ट है, उसको डिस्पेंस करना भी एक आर्ट है, ये हर एक के बस का नहीं है, इसके तरीके हैं, ये एक फनकारी है, एक कला है।
नहारी की देग और चम्मच के टकराने की आवाज़ दरअसल महज एक शोर नहीं है बल्कि इन दोनों की आपसी बातचीत है, और इस बातचीत को समझने के लिए इश्क नहारी शर्त है। मैं इसको देग और चम्मच की खुशी का तराना भी मानता हूँ जो कि ये दोनों हर शाम बाकायदा गुनगुनाते हैं। किसी ओपनिंग बैट्समैन की तरह अब मेहताब भाई अपनी स्ट्राइक लेने वाले हैं। भाई सबसे पहले तो बिल्कुल सिंपल नहारी खाएंगे हम। अच्छा, उसके बाद उसके अंदर मेकअप करेंगे, बस सही है। तो फिर बाद में देसी की वाली भी खाएंगे, एक सादी खाएंगे एक देसी की वाली। खाने भी आया था, पैक भी कराने आया था। आ चुके हैं। मैं खा लिया हूँ। खा लिए जी, पैक कराने। पैकिंग हो रही है, कहाँ जाएगी ये? इलाहाबाद जाएगी। आप यही रहते हैं? नहीं, मैं इलाहाबाद से ही रहता हूँ। मैं कुछ काम कर आया हूँ तो इन्होंने इतनी मशहूर मुझे सुना, इसलिए मैंने कहा आप पैकिंग भी ले चलिए। इलाहाबाद जा रही है पैक हो। अब टाइम है कि हम भी बैठ जाएं। तकरीबन एक घंटा हो गया देख को खुले हुए, तो अब मैं अपने लिए नहारी निकाल रहा हूँ। भाई निकाल दीजिए, साफ सी बोटी निकाल दीजिए, बस सिंपल सी। अच्छा, ये मेरे लिए कोई स्पेशल नहीं निकल रही, यहाँ सारी ही ऐसी बोटियाँ होती हैं, अच्छा गोश्त लगाते हैं। और बस मैंने इनसे बोला था कि थोड़ी सी दीजिएगा, ज़्यादा बोटी नहीं चाहिए, निकाल दीजिए। तो बहरहाल आखिरकार नहारी सामने आ चुकी है, और इस नहारी के पीछे के जो दो हीरो हैं वो भी मेरे साथ बैठे हैं। फिलहाल सबसे पहले किसी से बात नहीं होगी, सबसे पहले इस नहारी के साथ बात होगी। मैं इसको प्लेट में निकाल लेता हूँ, और बहुत साफ सुथरी सी बोटी। अच्छा एक बात ये है कि मैंने नली भेजा और घी वगैरह कुछ नहीं लिया है, सिर्फ इनकी नहारी की कसौटी है। वैसे मैं पहले भी खा चुका हूँ, लेकिन आज कैमरा पे नहारी को शूट करने आए हैं, नहारी का रिव्यू करने आए हैं, सारे एडवांस बाद में। सबसे पहले नहारी का अपना जायका, उसकी अपनी कहानी, क्या वो कह रही है वो हमें देखनी है। जावेद भाई मेरे साथ बैठे हुए हैं, मेहताब भाई इसको रन करते हैं, मुश्किल से टाइम मिला है, दोनों एक साथ मौजूद हैं, मेरे लिए बड़ी बात है। रोटी बहुत गर्म है, नहारी सामने है, ज़्यादा बातें करना मुश्किल होगा, लिहाजा जल्दी से इसका एक निवाला मुँह में जाना चाहिए, क्योंकि दोपहर से हम यहाँ। सबसे पहले एक बिल्कुल प्योर नहारी का निवाला देखते हैं। खाने के बाद जो अल्फाज दिमाग में आ रहे हैं वो मैं बताऊंगा, बाकी नतीजा आप खुद निकालिएगा। रचाओ, घुटाओ, क्रीमी, रिच, मसाले मुनासिब, मिर्चें मुनासिब, नमक सटीक, रोटी ज़बरदस्त, गोश्त साफ़ सुथरा, ये सब चीज़ें मिलने के बाद एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन बनता है। आप कुछ भी बना लें, ये सारी चीज़ें उसमें मौजूद होनी चाहिए, और ये सब चीज़ें इसमें मौजूद हैं। तो अब हाथ रुकना मुश्किल है, जितना बता पाऊँगा बताता रहूँगा, लेकिन भाई आप प्लीज़ जावेद भाई, अरे 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 आप, मैं तो नहारी के मतलब नशे में मैं तो भूल ही गया, आपने शुरू ही नहीं किया। सुबह से नहारी की तैयारी करी है, आप तैयार? हाँ भाई, ये ये बताइए खा के तो आपको कैसी लग रही नहारी? मैं बताऊँ, आज तो आप ही इसके हीरो हैं, आप ही ने बनाया आज तो नहारी। आज मैं एक लिहाज से ही नहारी आज पहली बार खा रहा हूँ, किस लिहाज से मैं आपको बताता हूँ। मैं इसको बगैर घी के खाऊँ, मैंने हमेशा घी डलवा के खाई। घी से दो तीन बातें होती हैं, एक तो मज़ा तो एनहेंस होता है, लेकिन मसाले थोड़े से दब जाते हैं। आप देसी घी डालें या मक्खन डालें, मसाले समझ लीजिए कि 100-80 रह जाते हैं। तो नहारी इज़ ऑल अबाउट मसाला, मसाले ज़बरदस्त होने चाहिए। मैंने पहले भी कई वीडियोस में ये कहा है, नहारी शर्मीली
और बुजदिल अच्छी नहीं लगती। नहारी चीखती पुकारती अच्छी लगती है। तेज़ मिर्चें होनी चाहिए, हल्की मिर्चों की नहारी नहारी नहीं होती मेरे हिसाब से। इसमें बहुत मुनासिब मिर्चें हैं। गोश्त अगर अच्छा ना हो तो कोई भी डिश अच्छी नहीं हो सकती। मेन चीज़ है आपकी नहारी का या कोई भी आप जो सालन बना रहे हैं उसका गोश्त बहुत साफ़ सुथरा होना चाहिए। ये दिल्ली की वो नहारी है जिसके लिए मेरे पास शायद आज तक सबसे ज़्यादा कमेंट आए हैं कि जावेद नहारी दिखाइए। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए इस नहीं वाले की तो वैल्यू नहीं बता सकता मैं। मेहता भाई का प्यार था सारा का सारा, और कुछ नहीं था। अच्छा इनको मेहता भाई को इस जावेद नहारी को मुझसे कई सीनियर यूट्यूबर्स कवर कर चुके हैं, बड़े बड़े सीनियर जैसे अनुभव सपरा जी, फूड रेंजर बॉस बजाज भी यहाँ आ चुके हैं। अच्छा मेरा मानना ये है कि हर नहारी अच्छी होती है, यकीन कर लीजिए कि हर बिकने वाली नहारी अच्छी होती है, लेकिन उसके बाद फिर 3-2-1 पर जाती हैं कैटेगरीज हैं। तो नंबर वन की कैटेगरी की नहारीज अभी मेरे चैनल पर रह गई हैं, उनमें से आज ये जावेद नहारी आ गई है। इससे पहले नूरा नहारी में डाल चुका। ये वो लेवल है जो आखिरी लेवल है दिल्ली के अंदर नहारियों का। अगर आपको नहारियाँ खानी है, ट्राई करने लायक नहारी है, ओखला आएँ, ताफुतरी नहारी खानी हो तो ज़रूर यहाँ पर आइए। तो हर निवाला कीमती है, हर निवाला ज़बरदस्त है। जायका क्या है? जायका है अच्छे गोश्त, सही तनासुब के मसाले, घी, इन सब का एक मिश्रण, और आखिर में जो इसके ऊपर एक बघार लगती है वो लगती है नियत की। आपकी नियत ज़रूर साफ़ होनी चाहिए। हर एक की नहारी का जायका अलग है, सबके मसाले कुछ ना कुछ अलग है। सादी नहारी हम टेस्ट कर चुके। मैंने मेहताब भाई से रिक्वेस्ट किए कि एक हमारे लिए ऑर्डर लगवा दीजिए देसी घी के साथ नली नहारी। इंदाई मशरूफ आदमी हैं दोनों, मेरे रिक्वेस्ट पे मेरे साथ बैठे हैं खाने के लिए। जब तक इसकी ड्राइविंग फोर्स हमारे साथ शरीक दस्तरखान ना हो जब तक मज़ा मुझे नहीं आता। मैं कोशिश करता हूँ कि जो ओनर है वो एक बार मेरे साथ हम निवाला हो जाए। ये आ गई, अब हमने नली नहारी भी ऑर्डर की थी क्योंकि सादी नहारी खाना ज़रूरी था, तो मेरी अपनी एक कसौटी रहती है। अब ये नली नहारी विद देसी घी का बघार आई है और बहुत खुश शक्ल खुश रंग नज़र आ रही है। बाकी जायका देखते हैं क्या है इसका, क्या कह रही है इसके साथ। देखिए मैं आपको फ़र्क बताता हूँ क्या। जैसे मैंने अभी बताया था मसाले 100 की जगह 80 रह जाते हैं, टेस्ट और थोड़ा सा सटल हो जाता है। दोनों की रंगत में तकरीबन 40 और 60 का फ़र्क आ चुका है। इसमें देसी घी पड़ा हुआ है, ये बगैर देसी घी की है, ये सुर्ख तेज़ रंग की है, ये डल हो चुका है। यही डलनेस इसके मसालों में भी आ जाती है। तो एक ये तरीका भी है कि अगर कोई हल्का मसाला खाना चाहे तो अगर वो देसी घी के साथ इसको बघार लेते हैं तो मसाला हल्का हो जाता है। ये लाइव एग्जांपल मैंने आपको दिया। आज जावेद नहारी ग्लोबल सेंटर पे आ चुकी, ये नतीजा निकला कि बिला वजह मशहूर नहीं है। रीज़न है, उसके पीछे मेहनत है, तजर्बा है, लगातार क्वालिटी कंट्रोल है। ये सब चीज़ें मिलने के बाद ही आपको रिजल्ट देती हैं और उसी के बाद ये होता है कि आप कहते हैं कि जावेद नहारी दिखाई। इस छोटे बच्चे के साथ इसकी मुस्कुराहट के साथ आज का वीडियो ख़त्म करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।